My dear student of class 9th, chapter 2, the constitutional design, and the chapter began from the democratic constitution in South Africa. Topic 2.1, democratic constitution in South Africa. इस चैप्टर की शुरुआत एक स्टेटमेंट से होती है जो नेल्सन मंडेला ने कहा था. उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए. आई हैव फाउट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. आई हैव चैलेंज्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हारमोनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज. इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लीव for and to achieve, but if needs to be for which I am prepared to die. This was Nelson Mandela. Nelson Mandela ने ये स्टेटमेंट कहा. उन्होंने क्या स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा कि मैंने गोरे लोगों के लिए खिलाफ लड़ा, मैंने काले लोगों के खिलाफ भी लड़ा. दैट मीन्स कि मैं ये नहीं चाहता कि गोरे लोगों का यानी कि व्हाइट माइनॉरिटीज जो उनके ऊपर रूल करते थे कि उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला. जो ब्लैक लोग चाहते थे, जो चाहते थे कि ब्लैक डोमिनेंस है, उनके खिलाफ भी उन्होंने बोला. ये स्टेटमेंट था नेल्सन मंडेला का. और वो चाहते थे कि वो सभी लोग हारमोनी के साथ अच्छे से रह सके. और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने देश के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं. जो व्यक्ति अपने देश के लिए ऐसा सोच रहा था, उसके लिए साउथ अफ्रीका के व्हाइट माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ने क्या करा, सुनिए. नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया. He and seven others leader were sentenced to life imprisonment in 1964. उनके साथ और सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. Why क्यों सजा सुनाई गई? For desiring to oppose the apartheid regime to his country. वो तो अपार्थेड के खिलाफ यानी कि रंग भेद के खिलाफ लड़ते थे, तो उनके देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया. He spent the next 28 years in the South Africa's most dreaded prison, Robben Island. वो अपने जीवन के अगले 28 साल दक्षिण अफ्रीका के सबसे दुर्दांत जेल में उन्होंने गुजारा, जो रॉबन आइलैंड में था. साउथ अफ्रीका के लिए अगर हम साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हमें नेल्सन मंडेला के बारे में बिना समझे और उनके बारे में जाने बिना आगे बढ़ना तो बेकार होगा ना. जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम कह सकते हैं गांधी जी का रोल रहा, मगर साउथ अफ्रीका को ना सिर्फ व्हाइट माइनॉरिटीज से इन्होंने फ्री कराया, बल्कि वहां पे उन्होंने अपार्थेड सिस्टम को खत्म करा दिया. और इसके लिए उन्हें काफी कुछ भुगतना पड़ा. अपने जीवन का बहुमूल्य 28 ईयर्स उन्होंने जेल में गुजारा. इस टॉपिक को आप उतार लीजिए, इससे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नेल्सन मंडेला को पनिशमेंट क्यों हुआ था. ठीक है, इसको आप उतारो, फिर उसके बाद मैं आगे के स्टेप्स के बारे में बताऊंगा.